सीट से चुनाव लड़ा जाएगा, ऐसी कौन सी मुश्किल सीट है और दिग्विजय सिंह कौन सी सीट से चुनाव लड़ने वाले हैं? कौन सी मुश्किल सीट है ये तय करेगी कांग्रेस पार्टी, और जहाँ से वो कहेंगे मैं चुनाव लड़ूंगा, फिर भी जहाँ से कहेगी। लोकसभा में लगभग कितनी सीटें आ रही हैं कांग्रेस की? लड़ेंगे 2900 सीटों पर। सर आज मोदी के चौकीदार कैंपेन करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री, 25,000 रुपये। एक बात सुनो, जिसकी चोरी पकड़ी गई वो चौकीदार है कि चोर है? अब शिवराज सिंह चौहान भी, जिनकी खुलेआम चोरी पकड़ी गई व्यापम में, ई टेंडरिंग में, कौन से घोटाले में शिवराज सिंह ने चोरी नहीं की, वो भी चौकीदार। अगर चोर ही चौकीदार अपना गले में तकमा चाल के चलेगा तो चौकीदारी कौन करेगा? वही हालत मोदी जी की है। राफेल के मामले में इतना बड़ा घोटाला हुआ है जो आज तक नहीं हुआ होगा। आज तक वो हमें कीमत बताने की तैयार नहीं है कि आखिर ये हवाई जहाज़ कितने में खरीदे, कितने में यूपीए सरकार खरीद रही थी और कितने में मोदी जी ने खरीदे हैं। इतना बड़ा भ्रष्टाचार देश के इतिहास में कहीं देखने को नहीं मिलेगा। दिग्विजय सिंह, अभी अब तो मैं कहता हूँ कि चौकीदारों को शर्म आने लगी है कि मोदी जी और शिवराज सिंह चौकीदार बनने की कोशिश कर रहे हैं। चोर ही चौकीदार हो रहा है। अभी आप स्वामी स्वरूपानंद जी से, शंकराचार्य जी से बनारस में मिलकर के आए और अब दद्दा जी से भी आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, तो क्या यह माना जाए कि कांग्रेस भी जो है बीजेपी की तर्ज पर? अरे ये बीजेपी को ठेका ले लिया है। मैं हिंदू हूँ और इन सब बीजेपी के नौटंकियों वालों से मैं ज़्यादा बेहतर हिंदू हूँ। नायकरा जी, और हमने नर्मदा जी, माँ नर्मदा की परिक्रमा की है, कितने नौटंकियों ने की है, कोई ठेका ले लिया इन लोगों ने? स्वामी स्वरूपानंद जी मेरे गुरु हैं, आज से नहीं सन 83 से हैं। दद्दा जी मेरे सर्वमान्य हैं, मैं उनसे मिलने आया हूँ, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। प्रियंका जी कितना प्रभाव डाल पाएंगी? देखिएगा, वहाँ पे भीड़ लगी हुई है, माहौल बन रहा है। प्रियंका जी के एक एक शब्द का जरा अंदाज़ा लगाइए कितना बढ़िया तरीके से वो कह रही हैं। भाजपा घबराई हुई है, मोदी जी घबराए हुए हैं। किसकी सत्ता बनेगी? मोदी की नहीं बनेगी। सर दो पंचवर्षीय से खजुराहो सीट बीजेपी के पाले में जा रही है, इस बार क्या खजुराहो के लिए? आप किसी कांग्रेस जीतेगी।